गूगल बॉलीवुड देख रहे सभी दर्शकों को मेरा यानी सिमरन हंस का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, हमने रिसेंटली देखा था लाल कप्तान का ट्रेलर चैप्टर 1, लेकिन अब रिसेंटली चैप्टर 2 भी हमारे सामने आ चुका है। जी हाँ, ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में बाकमाल शॉट्स, बाकमाल डायलॉग्स दिखाए गए हैं। और अगर हम सैफ अली खान की लुक्स की बात करें तो वो सबसे ज्यादा चर्चा में है इस वक्त। वहीं अगर हम इस ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में हमें ये भी पता चलता है कि इस फिल्म में सैफ अली खान के अलावा कौन से कैरेक्टर नजर आने वाले हैं। पिछले ट्रेलर की बात करें तो उसमें जो है कहानी इतनी क्लियर नहीं की गई थी, बहुत सारी चीजें छुपाई गई थी, जस्ट कुछ डायलॉग थे और सैफ अली खान की लुक थी। लेकिन इस ट्रेलर की बात करें तो इसमें सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, सैफ अली खान की लुक्स दिखाई गई हैं और कहानी की कुछ कुछ चीजें भी दिखाई गई हैं इस ट्रेलर के जरिए। और अगर हम इस ट्रेलर की बात करें तो इस ट्रेलर में जो डायलॉग डिलीवरी से लेके लुक्स तक, लोकेशंस तक, हर चीजें काफी ज्यादा परफेक्ट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की तो कास्टिंग से पर्दा उठ चुका है, यानी इस फिल्म में सैफ अली खान तो नजर आने ही वाले हैं और नवाब साहब के अलावा इस फिल्म में नजर आने वाली हैं सोनाक्षी सिन्हा भी। जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा इस फिल्म में कैमियो रोल अदा करेगी और साथ ही साथ मानव विज, दीपक डोबरियाल और जोया हुसैन जैसे कई एक्टर्स इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। वहीं इनके अलावा हमें सिमोन सिंह भी नजर आएंगे इस फिल्म में। इसके अलावा अगर हम बात करें इस फिल्म के ट्रेलर की तो ट्रेलर को रिसेंटली यूट्यूब पर रिलीज किया गया है, जिसके बाद फैंस का रिस्पॉन्स इस ट्रेलर को काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है। और कमेंट सेक्शन की बात करें तो सैफ अली खान की तारीफों से भरा हुआ है कमेंट सेक्शन, यानी ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं इस मूवी को लेकर। और डायरेक्शन की बात करें तो नवदीप सिंह ने फिल्म को डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूसर हैं आनंद एल रॉय। अब ऑडियंस को एक्साइटमेंट है इस फिल्म को देखने की, तो 18 अक्टूबर को उनका इंतजार खत्म हो जाएगा जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आ जाएगी। फिलहाल ट्रेलर को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देखना ये होगा जब ये फिल्म रिलीज होती है तो कैसा रिस्पांस मिलता है लाल कप्तान को।